तो ये है देखिए सेडबो दोस्तों, यहाँ जब हम अभी रास्ते में आ रहे थे तो लगभग 20 किलोमीटर पहले से दोनों ही साइड में स्नो भी पड़ी हुई थी। बसेस वगैरह भी देखिए यहाँ आती हैं, तो जिंदाबाइन से तकरीबन 40 किलोमीटर आप मान के चलें। वेलकम टू थ्रेडबो, ये है देखिए पूरा, आप लोग देखिए। नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज सिडनी में नहीं है, आज हम इस वक्त हैं थ्रेडबो। तो ये स्नोई माउंटेन का एक दूसरा माउंटेन है परिसर, जहां हम कल गए थे। फिर कल रात में क्योंकि काफ़ी थक वक गए थे और बैटरी भी ख़त्म हो गई थी, तो फिर कल वीडियो नहीं बनाया, जाके खाना वाना खा के सो गए थे, काफ़ी टायर्ड थे। और अब आ गए हैं थ्रेडबो। बहुत ही खूबसूरत एक छोटा सा स्मॉल टाउन भी है इस जगह पर, और ऊपर चलेंगे और आपको घुमाएंगे। ये है देखिए दोस्तों बस स्टॉप, यहाँ से बस जाती है। यहाँ हमने गाड़ी पार्क की, ऊपर आप देख सकते हैं पर्वत में, यहाँ से वो रेड कलर की बस आएगी। उन्होंने बताया कि फ्री बस है, ये लिखा भी है शटल बस। ये केवल विंटर में चलती है, सर्दियों के मौसम में। हम आ गए हैं थ्रेडबो, और ये थ्रेडबो का छोटा सा टाउन है, और ये है इंफॉर्मेशन सेंटर। वैसे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हर छोटी बड़ी जगहों में, लाइक टाउन हो या शहर हो, यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन सेंटर्स होते हैं, जो आपको पर्टिकुलर उस एरिया से और उस शहर से या वहाँ घूमने टहलने लायक क्या क्या है उन सब चीज़ों से परिचित करवाते हैं। तो यहाँ पर मिल जाती हैं वो बुकलेट टाइप में, और मैप्स वगैरह मिल जाते हैं। तो अभी हम यहाँ से कलेक्ट करने जा रहे हैं। यहाँ देखिए, मैंने मित्रों इंफॉर्मेशन सेंटर में पता किया है, ऊपर जाने के लिए यहाँ आगे ब्रिज के पास से ये एक छोटा सा ब्रिज जा रहा है, वहाँ से आगे जाएंगे, उस बिल्डिंग में टिकट वगैरह सब चीज़ें मिलती हैं। और यहाँ ऊपर जो हैं बहुत अच्छे अच्छे अपार्टमेंट होटल्स हैं, सब ये ऑपरेट करते हैं, ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है। मैंने अंदर पूछा कि समर में केबल कार चलती है कि नहीं चलती, तो उन्होंने बताया कि चलती है। और दूसरी बात उन्होंने अच्छी बताई कि समर में यहाँ पर थोड़ा सा टम्परेचर जो है सिडनी वगैरह की तुलना में कम होता है, तो अगर आप समर में भी आते हैं तो आप इन्जॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे अपार्टमेंट्स और होटल्स हैं जो आप बुक कर सकते हैं ऑनलाइन आने से पहले। ये है देखिए खूबसूरत सा ब्रिज, और आप पीछे देखिए बड़ा अच्छा लग रहा है। अपने यहाँ भी मनाली वगैरह में बर्फ पड़ती है, अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ से जाती है केबल कार ऊपर के लिए, और यहाँ पर है टिकट वगैरह का काउंटर। तो यहाँ से अगर आप अपनी स्की लाते हैं तो ये स्टैंड है, यहाँ पे खड़ा कर दें इनको, और इसके बाद में टिकट वगैरह का है यहाँ पे। और क्या क्या है भी देखते हैं। ये यहाँ पर है टिकट काउंटर्स, स्नोफॉल हो रहा है, और ये यहाँ पर एक छोटा सा शॉपिंग सेंटर जैसा कह लें है अंदर। ये देखिए रिटेल मार्केट, कुछ खाना पीना है वैसा है, रिटेल लेंटर, यहाँ कुछ खरीदना है। ये इधर भी है, कुछ चाय नाश्ता करना है, खाना पीना है, कॉफ़ी वगैरह लेना है, इस तरफ भी है, सब खुला हुआ है। आगे देखिए जा रही हैं केबल कार्स, अब हम जाएंगे ऊपर। तो टिकट जो है $59 एक आदमी की, अडल्ट की है, प्लस $5 का एक कार्ड है। अंशिका की $15 की टिकट है, बच्चों की मतलब वो क्योंकि 8 साल की है अंशिका, तो उसकी 15 प्लस 5 तो $20 का उसका है, और 60 प्लस 5 तीन का। ये कितना टोटल पेमेंट कितना था? ओके, तो $212 की जो है ये इसकी टिकट आई है। अनलिमिटेड टाइम है, और हम जितने बार चाहें उतने बार केबल कार से ऊपर बैठ के जा सकते हैं। और ये जो कार्ड है, जैसे ओपल कार्ड चलता है सिडनी में ट्रैवलिंग के लिए, वैसा है। आप 10 साल बाद भी आइए तो फिर वो आपको दोबारा नहीं खरीदना पड़ेगा, उसी में जो भी आप टिकट लेते हैं उसमें ऐड ऑन हो जाएगा। तो ये है देखिए एंट्री पॉइंट, और वेयर इज़ माई कार्ड अंशिका, तो ये यहाँ पर करना पड़ता है स्कैन इस तरह से। ये देखिए हमारी है केबल कार, इसमें बैठेंगे फोर फोर फोर
चलो चलो जाओ अंशिका, केबल कार में बैठ जाओ। ये मुंह हल्की हल्की करती रहती है और उस मूवमेंट में ही बैठना पड़ता है, और ये काफी स्पीड में चल रही है, है ना। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत नजारा है। एक केबल कार में चार लोग बैठे हैं, छह लोग तो आराम से बैठ सकते हैं, इसमें इतना बड़ा साइज है इसका अंदर का। लेकिन अगर आपको ऐसे केबल कार में बैठ करके और आनंद लेना, ये है स्कीइंग वालों के लिए, स्की यहाँ से करते हैं लोग। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल टॉप पे लेके जाएगा, ये देखिए। और इस वक्त भी बाहर स्नोफॉल हो रहा है। अभी आज मैंने कपड़े वपड़े थोड़े से कम पहने हैं, और क्योंकि ये जो जैकेट है ये स्पेशल स्नो के लिए है, तो ये इतनी मतलब अपने आप में इतनी गर्म होती है कि इसमें और बहुत सारे कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं तो डेफिनेटली आप स्विट्जरलैंड का आनंद यहाँ पर ले सकते हैं। और सिडनी वालों के लिए तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इजी ये है। वापसी में रुक करके थोड़ा घूम करके फिर इसमें जाएंगे। ये यहाँ के कर्मचारी खड़े हैं। हेलो, हाउ आर यू? थैंक यू। तो ये यहाँ पे भी अगर आप आते हैं, ऊपर जाना है तो इधर बैठ जाइए, अगर आप यहाँ आके उतर गए हैं थोड़ा घूम टहल के ऊपर जाना है तो आप यहाँ करके अपनी टिकट को फिर से स्कैन कीजिए और बैठ जाइए। ये देखिए, ये इधर देखिए, स्की वाले जा रहे हैं, पहने हुए हैं ना पैरों में अपने, ऐसा लग रहा है बर्फ की चादर बिछी हुई है। और ये जो शूज हैं बर्फ में चलने वाले, इसमें एकदम ठंड नहीं लगती पैरों को। ये इसका लास्ट स्टॉप पर हम लोगों को तैयार करते हैं। तो ये देखिए, अब हम आ चुके हैं यहाँ पर, और इधर रेस्टोरेंट वगैरह भी है। लास्ट टाइम तो हम लोग काफी चल के गए थे, अभी देखते हैं आज कितना चलेंगे। और आज धूप है, अच्छा लग रहा है इस धूप में। और मैंने तो अभी अपने ग्लव्स वगैरह नहीं पहने हैं, इसकी पेट्रोल ये देखें, पूरा माउंटेन भरा हुआ है बर्फ से, और लोग भी हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत मज़ेदार। लाइक अपने आप में यहाँ पर होना अपने आप में एक बहुत ही जॉयफुल है, बहुत ही आनंददायक है। यहाँ पहुँच करके एक बड़ी अच्छी सी फीलिंग आ रही है। तो यहाँ पर देखिए मित्रों, ये सारे लोग लाइन से लगे हुए हैं स्नोबोर्ड और स्की लेकर के। और पहले तो इधर ये सामने वाली केबल कार से ये लोग ऊपर आए हैं, और वैसे दूसरा भी एक रास्ता है, और अब ये लोग फिर से यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं अपने अपने स्नोबोर्ड या स्की के साथ में, और यहाँ से दूसरी फिर से पकड़ेंगे और जाएँगे इस तरफ। ये देखिए, तो इसमें ये डायरेक्ट बैठ जाते हैं, ये ओपन होती हैं, बहुत अच्छी चेयर होती हैं, इसमें कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, गिर नहीं सकते, वो इस हिसाब से डिज़ाइन की गई हैं। और ये और ऊपर टॉप ऑफ द माउंटेन जाएंगे, और फिर देख रहे हैं आप कितनी दूर से लोग चल करके आ रहे हैं। लेट मी ज़ूम इन। और ये हमारी जाने मन, जाने वफा, जाने बहार, हमारी बच्ची आ गई, हमारी प्यारी गुड़िया रानी। इनको दिन में हमारी और इंस्टा की बहुत लड़ाई होती है आजकल, क्योंकि बदमाशी बहुत करती हैं, इनको सर्दी हुई है, तो केयर टेकिंग के चक्कर में अंशिका को लगता है कि फ्रीडम नहीं मिल रही। मुझे यह है कि एक बार ये ज़रा ठीक हो जाए। और देखिए, पहाड़ में इतने ऊपर आ करके और बर्फ़ में, ये जो एक रेस्टोरेंट है, यहाँ से कुछ ले करके और खाना पीना बैठ करके इंजॉय करना, ये अपने आप में स्वर्गिक आनंद को देने वाला है। लाइक यू आर इन हैवन। तो मैं कहूँगा भैया, एक बार आप ज़रूर आए। और यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम भी है, यहाँ पर है, देखिए ये है यहाँ पर कैंटीन। तो ये यहाँ पर क्या मिलता है,
स्कूल है इस तरफ। और यहाँ पर ज़्यादातर गोरे ही हैं क्योंकि उनको ये अच्छा लगता है, ये कलेक्शन के लिए है। भीड़ भाड़ तो बहुत है। काफ़ी खचाखच भरा हुआ है, अच्छी खासी भीड़ है और बाहर भी लेकर के आते हैं और बैठ के खाना ना खा रहे हैं, हम भी बैठे हैं। मेरिट्स गोंडोला ये इसका नाम है। हॉट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक सब चलता है यहाँ पर। तो बर्फ़ में बैठ करके आइसक्रीम खाना, मींस आइस में रह के आइस खाना आइसक्रीम खाना, कोल्ड ड्रिंक पीना, ये एक अद्भुत आनंद होता है। ये अपने आप में एक बेमिसाल एक्सपीरियंस है। यहाँ पर भी लोग, ये देखिए अंशिका माता अपना कुछ कर रही हैं, इन्होंने गोला बनाया है बर्फ़ का। यहाँ रख लो आकर के, छोटा सा स्नोमैन बनाएंगे। लोगों ने टेबल पे बनाए हैं अपने स्नोमैन। कॉपी कर रही हूँ। अच्छा, उनको ही कॉपी कर रही हो, वेरी गुड। ये अंशिका ने बनाया है स्नोमैन और इसके अंशिका आँखें वगैरह भी बना दो, ठीक है ना। ये देखो भैया पाणे जी लाई हैं अपने लिए हॉट चॉकलेट, मेरे लिए फेंटा एंड पानी, और भाई साहब के लिए आई है कैपेचिनो कॉफ़ी, और अंशिका के लिए है स्नोमैन। स्नोमैन का हाथ बना के लाई हैं अंशिका। देखो इसको एक हाथ तो लगा चुके हैं हम, दूसरा हाथ ऐसे लगेगा, खत खत लग गया, ऐसे लग गया हाथ स्नोमैन के। अब हाथ भी लग चुके हैं। अब देखो हम यहाँ से उतर के जा रहे हैं नीचे और वहाँ से फिर पकड़ेंगे दूसरी और जाएंगे उधर वाले माउंटेन में। ये तो जाने के टाइम में बड़ा तेज हो गई है ना। प्रवासी से स्लोली ताकि सब लोग अंदर आ जाए। करेक्ट, नहीं उस जगह तो स्लो हो जाती है, फोर्स उतरना चढ़ना होता है लोगों को, लेकिन जाते टाइम बहुत स्लो जा रही है, नहीं फास्ट जा रही है। अब नहीं दिखाई दे रहा, क्यों? आँख तो खुली है। हाँ वैसे ही दिखेगा ना। ये जा रही है नीचे, स्नो ही स्नो। थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे नीचे। हाँ। वहाँ पे देखिए ट्रैक है। हाँ। और अब हम लोग जा रहे हैं चेयर लिफ्ट में। तो इस चेयर लिफ्ट में ऊपर जाने के बाद में थोड़ा बहुत चलने फिरने का भी है और ये उससे भी ऊपर जाएगा और ये ओपन रहता है तो इसमें थोड़ा ठंडी लगेगी, इसके लिए बहुत ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है। यहाँ पर भी हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह और यहाँ अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो साधन है। ये है देखिए, यह ये रुकती नहीं है, ऐसे एकदम स्लो डाउन हो जाती है तो आपको बैठना होता है। और अब थोड़ी धूप और ज़्यादा हो गई है क्योंकि अब इस वक्त बज रहा है एक। धूप होते हुए भी बर्फ़ यहाँ मेल्ट नहीं हो रही क्योंकि कोल्ड तो यहाँ पर है ठीक ठाक सी। और ये देख, आई थिंक सो स्नो बाइक, वो यहाँ से आप हायर करके चला सकते हैं। ये इस तरह से है, आप हायर करके और ऊपर तक जा सकते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है क्लोज्ड जहाँ लिखा है यहाँ पे आप कर सकते हैं। बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर है, इट्स रियली ब्यूटीफुल। बर्फ कितनी खूबसूरत, देखें, ओ वाह, कितनी स्मूथ लग रही है, बहुत सुंदर है। प्रकृति ने जो है अपने आप इतना खूबसूरत बनाया इस धरती को,
बस यहाँ के रहने वाले लोग ही इसको ख़राब करते हैं, और वो भी हम और आप ही हैं, और कोई दूसरे प्लैनेट से लोग तो नहीं आते हैं। देखिए इतनी ऊपर काफ़ी अच्छी खासी स्पीड होती है और बहुत ही मज़ा आता होगा। वाह, इधर अच्छा है, देखो बच्चे लोग पेड़ों को झाड़ झाड़ करके बर्फ़ गिरा रहे हैं, हिला देते हैं पेड़, तो असल मज़ा तो यहाँ है। क्या बात है, क्या बात है, पूरा देखें ऊपर तक पहाड़ जो है, ये देखिए बच्चे, ये क्या भाई, कल चलने में बहुत थकावट लगती थी, लग रही थी, मुझे लगता है मैं 2-3 दिन से सोया हुआ नहीं था, ये एक बड़ी वजह थी। एकदम डिफिकल्ट नहीं लग रहा है। वाओ, ये भी इसकी ट्राई की है लेकिन इसको क्लोज किया हुआ है आज। क्या बात है, क्या बात है, पर इधर ठंडा बहुत लग रहा है। वाओ, अब मैं यहाँ से ऊपर तक दौड़ के जाना चाहता हूँ, पता नहीं नहीं दौड़ पाऊँगा। हवाएं चल रही, यहाँ देखिए बेबी फुटप्रिंट है जैसा लग रहा है, या तो कोई जानवर होगा या कोई बच्चे के, आई डोंट नो, कंगारू के भी हो सकते हैं। यहाँ से नीचे देखिए, मैं आधा दौड़ के आया हूँ, मैं जाऊंगा ये टॉप तक, यहाँ तक, पैर थोड़े थोड़े फिसल रहे हैं भाई, कठिन है उतरना यहाँ से। देखिए मित्रों कितना खूबसूरत शानदार नज़ारा है, अद्भुत अद्वितीय अकल्पनीय बेहद सुंदर, ऐसा लगता है पर्वत ने सफेद रंग का श्रृंगार कर लिया है। वाह, अब पैर थोड़े से सीधे रखने मुश्किल हो रहे हैं, गड़ा के ठोक के पैर रख रहा हूँ। अब मैं कोशिश करूँगा कि इसके किनारे किनारे से निकल जाऊँ। वाह, बताइए मित्रों की कैसा है ये स्नोई माउंटेन थ्रेडबो। ये है देखिए ऑस्ट्रेलिया, लोगों को लगता होगा ऑस्ट्रेलिया में तो स्नोफॉल होता ही नहीं। ये देखिए सी, ये लोग कैसे अपनी स्पीड को रोकना है सब सिखा रहे। मेरा एक हाथ ओपन था विदाउट ग्लव्स, तो बहुत ज़्यादा ठंडा होगा। तो ये है देखिए दोस्तों थ्रेडबो, देखो भाई अंशिका भी चलाने जा रही हैं स्नो बाइक, है ना। एक झरना है, प्रपात है जो बह रहा है नीचे, उसके ऊपर ये लकड़ी का बहुत अच्छा पुराना सा ब्रिज बना हुआ है, पुराना अच्छा लग रहा है गुट का। ये अभी हम ऊपर गए थे, ये वहाँ का आप सीन देखिए, ये खड़ी है हमारी बिटिया अंशिका, और ये देखिए चेयर लिफ्ट।
तो ये है देखिए दप्पा, और ये विलेज स्क्वायर भी है ऊपर। चलो देखते हैं क्या है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे है ना लंच वगैरह। यहाँ पे क्लोथ्स वगैरह भी ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे होटल्स और रूम वगैरह हैं। ये यहाँ स्टे करने के लिए आपको बुकिंग करके आना पड़ेगा। ये विलेज स्क्वायर है कि ऊपर है विलेज स्क्वायर। तो ये देखिए हमारी आ गई बस। अब इसमें हमने जहाँ गाड़ी पार्क की है अपनी, तो वहाँ तक इसमें फ्री ट्रैवलिंग हो सकती है। ये सब लोग देखिए बस में बैठेंगे। यह कारनामा, अब हमारी बस चलेगी। तो अब ये देखिए आ गया हमारा बस स्टॉप। ये आ गए हम लोग भाई बस स्टॉप। यहाँ पर पिछली बार हम लोगों ने बड़ी मस्ती की थी। है ना? ये है देखो फ्राइडे फ्लैट। यहाँ से दो डायरेक्शन के लिए जाती हैं। एक अरे तीन, एक उधर से ऐसे घूम के एक इधर से। ये बहुत भीड़ भाड़ है यहाँ पर। बहुत ठंडी है। देखिए हम लोग ऊपर से सारा कुछ घूम टहल गए। लगभग 6 घंटे के आसपास हमने यहाँ पर टाइम एक्सपेंड किया। बड़ा मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन बहुत ठंडी है। जिंदाबाइन चलते हैं। 35-40 किलोमीटर है, आधा घंटा पौना घंटा लगेगा। और ये एक दो तो भाई साहब के कपड़े वगैरह हमने किराए पे लिए थे, वो भी जिंदाबाइन से लिए थे, तो उनको वापस करके और वहीं पर कहीं कुछ खाना ना खा करके और बैक टू पवेलियन सिडनी वापस लौट जाएंगे। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बोलने में दिक्कत हो रही, बहुत ज़्यादा ठंडी है। और लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।